सिलवासा के लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित देव कीवा मोहन सिंह चौहान कॉलेज में दाने दमन दीव भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मोदी 20 पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य भाजपा उपाध्यक्ष व NEC चैम्बर चित्रा बाग की उपस्थिति रही, जिनके हाथों से मोदी 20 पुस्तक का विमोचन कराया गया। मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन पिछले दिनों दिल्ली में वेंकैया नायडू के हाथों विमोचन कराया गया, जिसके बाद इस बेहतरीन पुस्तक को देश के अलग अलग राज्यों एवं संघ प्रदेशों में किया जा रहा है। इसी अंतर्गत आज सिलवासा के देव कीवा मोहन सिंह चौहान कॉलेज में विद्यार्थियों को इस पुस्तक की अहमियत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरल जीवन और उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को साझा किया गया। लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चित्रा बाग के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल, प्रदेश महामंत्री मनीष देसाई, महेश गावित, पूर्व सांसद सीताराम गवली, भाजपा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. प्रमिला उपाध्याय, नपा अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, भाजपा वरिष्ठ नेता व कॉलेज के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान एवं भाजपा के आला नेता, कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका के साथ स्कूली बच्चों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के भविष्य कहे जाने वाले नौजवान युवाओं को मोदी एट 20 पुस्तक के बारे में जानकारी दी गई। मैम, आज दादरा नगर हवेली में मोदी एट 20 बुक का विमोचन किया गया, किस प्रकार से यह कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। और मोदी एट 20 ये जो बुक का विमोचन है वो पूरे देश में हो रहा है और इसी का एक भाग है कि हमने 2 दिन पहले दमन में ये प्रोग्राम हुआ था और आज हम सिलवासा में लायंस इंस्टीट्यूट में आए हैं। हमने देखा कि बहुत अच्छी तरह से छात्रों का रिस्पॉन्स इस प्रोग्राम के लिए रहा। ये 21 खंडों में 21 चैप्टर्स है इस बुक में और ये 21 लोग जो है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये देश की जानी मानी हस्तियाँ हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी हो, नंदन नीलेकणी जी हो, PV सिंधु जी हो, सतगुरु जी हो और ऐसे बहुत सारी हस्तियाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पार्ट थी पर उन्होंने मोदी जी को देखा है, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक को देश के लिए कार्य करते हुए देखा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है और उनकी जो उनके प्रति जो भावना है वो उस किताब में लिखी हुई है। और उसमें फिर फॉरेन पॉलिसी हो या हमने देखा कि किस प्रकार से डिजिटाइजेशन का एक युग जो है वो भारत में आया है और ये सब लाने के पीछे मोदी जी की जो पॉलिसीज थी वो उन्होंने उसमें रखी हुई है। हमारे प्रधान सेवक भारत के लिए क्या योगदान कर रहे हैं ये आज के युवा वर्गों को भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि इन जो वो प्रयत्न कर रहे हैं वो हमारे बच्चों तक पहुँचे क्योंकि यही हमारा कल का भविष्य है। मैम, ये जो बुक है वो कहाँ पे अगर कोई आम इंसान पाना चाहे तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अमेजोन पे ये बुक्स अवेलेबल है, क्रॉसवर्ड में ये बुक अवेलेबल है, हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आज ये बुक सिर्फ अंग्रेजी में है लेकिन आने वाले दिनों में ये बुक आपको हिंदी में मिलेगी, गुजराती में मिलेगी, मराठी में मिलेगी और अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी ये बुक लाने का हमारा प्रयास है। धन्यवाद। PM मोदी भारत के भविष्य की बात करते हैं, युवाओं की तरफ सोचते हैं, युवाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर युवाओं की तरफ आगे बढ़ने की क्षमता और प्रतिबद्धता है। महिला सशक्तिकरण के लिए वो सदैव जागरूक रहे हैं। उनका मानना है कि आज की महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और बड़ी मेहनत और मेहनत के बल पर आगे बढ़ रही है। तेजी से बदलते सर, जिस तरह से मोदी एट 20 बुक का जैसे विमोचन किया गया, ऐसे और भी तमाम जगहों पर इस चीज़ का विमोचन होने वाला है, तो क्या कार्यक्रम आगे रणनीति जो है सो भारतीय जनता पार्टी तैयार की है, कितने और कार्यक्रम और किस किस दिशा निर्देश के अंतर्गत किया जाएगा? सर, आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली एवं दमन और 4 कार्यक्रम होने वाले हैं। दीव में विद्यार्थियों के साथ एक कार्यक्रम होने वाला है और तीनों जिलों में इंटेलेक्चुअल यानी प्रबुद्ध लोगों के साथ ये कार्यक्रम है। कर्मठ कर्मयोगी पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी किस तरह इस देश को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने का उनके जो प्रयास है और किस तरह इस देश को आगे ले जा सकते हैं,
इस बारे में ये बुक में पूरा लिखा गया है, जिस तरह उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है और जिस तरह इस देश को सुरक्षित रखते हुए विश्व गुरु बनाने का जो उनके प्रयास है, वो जन जन तक जाए, युवा पीढ़ी में जाए, महिलाओं में जाए, वृद्ध लोगों को मालूम पड़े, इसलिए ये प्रयास है। और उनको राष्ट्र के भावना, उनकी निष्ठा मालूम पड़े, राष्ट्र भावना मालूम पड़े और जिस तरह नया भारत खड़ा हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ बनाने की जो कल्पना है, वो कल्पना इस रूप में पूरी तरह बताई गई है और लोगों को जन जन तक ये पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद सर। सर आपके कार्यक्रम में मोदी एक 20 बुक का जनावरण मैडम के हाथों हुआ, मैडम चित्रा भगत जी की अध्यक्षता में, जो कि मुख्य आज के प्रश्न के वक्ता थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश भाई टंडेल भी इस सभा में मौजूद थे। मोदी जी के बारे में जैसे मैडम ने बताया कि वो प्रधान सेवक शब्द तो जो है उसको सही मायनों में उन्होंने चरितार्थ किया है। आज 130 करोड़ जनता के वो सेवक हैं। उन्होंने पिछले 8 साल में हमारे देश का जो मान बढ़ाया है विदेशों में, विश्व पटल पर हमारी एक जो छवि खड़ी की है, सही मायने बड़ी सराहनीय है। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेके चलने की जो भावना बनाई है, इसी को सबको साथ लेके चलना चाहिए। आज हमारे कई बच्चों ने ये बुक के बारे में सुना है, उसमें जो इनकी अध्याय है उसका पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही भारत का भविष्य है। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, हमारे इस कार्यक्रम से खुश हुई और हमारा ये सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई इस एरिया में पहले घूमते थे, जब प्रचारक थे तो इस एरिया को भली भांति जानते थे, क्योंकि एक स्कूटर पर घूम के वो पूरे सभी घरों में भी जाते थे। और पिछले 5 साल में भी, 5 साल पहले भी हमने एक बहुत बड़ा यह कार्यक्रम किया है, उन्होंने आश्वासन दिया था और उसी आश्वासन के तहत हमारे टेरिटरी के ऊपर उनकी सीधी नज़र है और बहुत विकास के कार्य उन्होंने किए हैं, बहुत बड़ा विकास हुआ। सर, ये बुक के बारे में लोगों को ज़्यादातर जानकारियाँ महसूस हो, लोग ज़्यादातर इस बुक को देखें, पढ़ें और इससे जो चीज़ें इसमें जो लिखी गई है उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर में अध्ययन करें, इसके लिए क्या संदेश देंगे सर? आज हम और बुक मंगवाएंगे और हमारी लाइब्रेरी वगैरह में पूरी तरह से उसको मुहैया करेंगे, ताकि हमारा जो नया जनरेशन यूथ है उसको पढ़े और जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद सर।